व्यूवर्स, मैं ये देख रहे मेरा जैस्मिन का प्लांट है, तो इसमें से मैं एक दो तीन कटिंग्स लेकर के पानी में ग्रो करूँगी। आप इस प्लांट्स की जो कटिंग है वो फरवरी मार्च में कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा जब गर्मी हो, किसी भी मंथ में करें लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो उसमें, या बहुत ज़्यादा ठंड हो तो उसमें कटिंग्स को ग्रो ना करें। पानी में ग्रो करने के लिए ये जो देख रहे हैं आप, इस तरह से न्यू ब्रांच है, तो इस तरह से न्यू ब्रांच नहीं लेना है कटिंग के लिए, आपको ही थोड़ा पुराना सा कटिंग देखें, जैसे ये देख रहे हैं आप, इस तरह से पुरानी कटिंग्स को ले लें, इस तरह की आप कटिंग्स ले लें और इसके लिप्स वगैरह जो है सब निकाल दें, बस एक दो लिप्स रहने दें, एक लिप्स ऐसे पीस में, बाकी किसी में लिप्स है नहीं, वैसे भी थोड़ा सा विंटर सीजन में काफ़ी लिप्स इसके निकल जाते हैं। और इसे मैं कुछ नहीं करना है, बस एक बॉटल में पानी ले लेना है, सिंपल कुछ ऐड नहीं करना है उसमें, और जो भी कटिंग्स लें आप उसमें इस तरह से नोड होने चाहिए, इस तरह से नोड हो आपके, उसे ये नोड वाला हिस्सा है इसे पानी में आप डाल दें। देख रहे हैं बस इसकी जो पानी है आप हर तीन दिन चार दिन पर चेंज करते रहें, बदल दिया करें, बस इतना ही करना है आपको, बिल्कुल इसी में लगा के नहीं छोड़ देना है, पानी बस बदलते रहना है आपको जब तक इसमें न्यू आपको ग्रोथ ना दिख जाए हर तीन दिन पर। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, 15-16 दिन में ही, बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है इसको कटिंग्स को लगाए, और देखिए कितने अच्छे से ये ग्रो कर रहा है, देख रहे हैं कितने न्यू लीव्स आ चुके हैं। और ये भी देखिए, ये भी कटिंग्स जो मैंने दो तीन कटिंग्स लगाए थे ये भी सक्सेस हो चुका है, और इसके भी लीव्स आ रहे हैं, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे लीव्स इसके भी आ रहे हैं, मतलब मैंने ये चीज़ देखी है सॉइल से कहीं ज़्यादा मेरी ये कटिंग जो है पानी में अच्छे से ग्रो कर चुकी है। मैंने सॉइल में भी लगाए हैं पर अभी थोड़ी सी इसकी अभी ग्रोथ हुई नहीं है, तो अब आप इसके रूट्स भी जरा मैं एक बार चेक कर लूं। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, एक्चुअली धूप भी आ रही है बहुत तेज सामने से, आई होप आपको दिख रहा है, ये रूट्स देख रहे हैं आप अच्छे से ग्रो कर चुकी है, तो अभी से आप चाहे तो अब सॉइल में कटिंग्स को लगा सकते हैं। और इसकी भी देखूं, ये देखिए, ये देखिए इसकी भी देखिए कितने अच्छे से रूट्स निकल चुके हैं, तो अभी तो इसको मैं खैर अभी पानी में ही रखूंगी, अभी इसकी कटिंग्स को मैं सॉइल में भी नहीं लगाऊंगी, अभी इसे ग्रोथ होने दूं, इसको आप इसको मैं लगा दूंगी अब, क्योंकि ये अच्छे से अब कटिंग्स ग्रो कर चुकी है। और सॉइल में जब भी लगाएं तो आप उसे सैडी एरिया में रख दें ट्रांसप्लांट करने के बाद प्लांट्स को, और जब तक न्यू फिर ग्रोथ, जैसे ये पत्ती देख रहे हैं आप इस तरह से ना निकल जाए तब तक उसे फिर धूप में ना रखें। ओके फ्रेंड्स, और ये देखिए, ये मेरा मोगरे का मतलब जैस्मिन का ही प्लांट्स है, और देखिए इसमें फूल अब आने शुरू हो चुके हैं, देख रहे हैं ये सब स्टार्ट हो चुकी है, काफी ये लंबा ये था मैंने कटिंग कर दी, देख रहे हैं इसकी भी ग्रोथ अब अच्छे से, सब में बर्ड्स कलियां बननी शुरू हो चुकी है। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो इस प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लें, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। हैप्पी गार्डनिंग।